बढ़ते आगे, अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। देखिए मुंबई में 30 करोड़ रुपए का ऑपरेशन नमक क्या है। एटीएस ने पकड़े नशे के 4 सौदागर। 30 करोड़ की ड्रग से 50 करोड़ का धंधा। काली कमाई के रैकेट में इंटरनेशनल सिंडिकेट। ड्रग्स तस्करी के लिए इंटरनेशनल माफिया से संबंध। कोडवर्ड के जरिए ड्रग की सौदेबाजी। ये ग्रुप जनरली नमक के नाम से अपना जो है इसको मटेरियल को एड्रेस करता था। बॉलीवुड में कोरियर के जरिए ड्रग की सप्लाई। मॉडल्स को बनाया ड्रग पैडलर। मुंबई के 100 इलाकों में ड्रग्स बेचने की प्लानिंग। मायानगरी मुंबई में 29 जून को 30 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। साथ में पकड़े गए थे नशे के 4 सौदागर। एटीएस ने इनसे पूछताछ की तो कई और चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। नशे के कारोबारी ड्रग्स बेचने के लिए खास कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इनका संबंध इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया से था। बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई के लिए स्ट्रगलिंग मॉडल्स को पैडलर बनाया जाता था और नशे के व्यापार से कई गुना ज्यादा कमाई करने के लिए ये लोग कुरियर के जरिए ड्रग्स एक शहर से दूसरे शहर भी भेजा करते थे। जरा गौर से देख लीजिए मकान नंबर 503 की इस चौखट को। इस चौखट के उस पार भारत के भविष्य को चौपट करने का सामान तैयार किया जा रहा था। इसी दरवाजे के उस तरफ युवाओं को अंधी सुरंग में पहुंचाने के लिए ड्रग्स को छोटे छोटे पैकेटों में भरा जा रहा था। मुंबई के ओशिवारा के एक दंत रेजिडेंसी के इसी फ्लैट से 29 जून को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस फ्लैट के अंदर 30 करोड़ की ड्रग थी। जो ड्रग पकड़ी गई उसका नाम है मेफेडॉन। एटीएस ने 151 किलो मेफेडॉन पकड़ी। ड्रग की इसी खेप से म्याऊ म्याऊ ड्रग बनाई जानी थी और छोटे छोटे पैकेट्स में भरकर सप्लाई की जानी थी। इस फ्लैट में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की मशीनें भी बरामद की गई हैं। ये पहली बार है जब एटीएस को मुंबई में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट मिली। एटीएस के मुताबिक पकड़े गए 4 ड्रग कारोबारियों के संबंध आसपास के ड्रग डीलर से तो थे ही, साथ ही इंटरनेशनल ड्रग कारोबारियों से भी इनके संबंध थे। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के बाहर के देशों से ड्रग आती थी और फिर उसको डाइल्यूट कर विदेशों में भेज दिया जाता था। जो बाहर के कनेक्शंस हैं वो इम्पोर्टेंट कनेक्शंस हैं। वो उसमें जो ये गैंग है इसका काफ़ी लिंक्स जो हैं वो बाहर से हैं और इस केस में जो है इन लोगों का जो काफ़ी सारे इनका जो रिसोर्सेज है वो भी इंटरनेशनली लिंक्ड है और इंटरनेशनल गैंग से भी लिंक्ड है। नमक, सफेद सोना, वाइट हीरा, आपके लिए और हमारे लिए सिर्फ नाम है, लेकिन ड्रग्स के सौदागरों की काली दुनिया में ये नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि कोडवर्ड है। ओशिवारा के इस फ्लैट से पकड़े गए नशे के व्यापारी इन कोडवर्ड का इस्तेमाल ड्रग्स के लिए किया करते थे। इन्हीं कोडवर्ड के जरिए भारी तादाद में ड्रग्स इधर से उधर की जाती थी। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक ये गिरोह इंटरनेशनल सिंडिकेट से भी जुड़ा हुआ था। देश भर में व्यापार करने के लिए इन्होंने एमडी ड्रग्स को नमक का कोड दिया हुआ था, जबकि अपने फॉरेन क्लाइंट्स के लिए इन्होंने व्हाइट गोल्ड जैसे कोड का इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ था। इसके अलावा पूरी होने वाली डील और फाइनेंस को भी कोड में ही दर्शाया गया हुआ था। जैसे कि नमक की कीमतें बढ़ने के साथ साथ व्हाइट गोल्ड त्योहारों में कितना और महंगा हो रहा है, ऐसे कई कोडों का मायाजाल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में उभर कर सामने आ रहा है।
मुंबई इन ड्रग्स सप्लाई करने वालों का सबसे बड़ा अड्डा था, लेकिन मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों में भी ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी, जिसमें सबसे खास ड्रग है म्याओ म्याओ ड्रग। इस खास किस्म की ड्रग की मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गई है, इसीलिए इस ड्रग की तस्करी भी ज्यादा होने लगी है। 30 करोड़ ड्रग की खेप के साथ पकड़े गए चार आरोपियों में से साजिद इलेक्ट्रिक वाला इंटर स्टेट ड्रग सप्लाई करने में माहिर था। वो न सिर्फ ड्रग को इधर से उधर पहुंचाता था, बल्कि अपने ग्राहकों को भी सीधे तौर पर ड्रग सप्लाई किया करता था। पकड़े गए आरोपी पब्स, रेव पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। बॉलीवुड के कई नामी सितारे भी इनके ग्राहक थे। कई कम जाने पहचाने मॉडल नशे के सौदागरों के लिए एजेंट की भूमिका निभाते थे। जानकारी के मुताबिक साजिद इलेक्ट्रिक वाला ने कई स्ट्रगलिंग मॉडल को भी अपना पेडलर बनाकर एक पूरी चैन तैयार कर ली थी, और इसी पेडलर्स की चैन के जरिए बॉलीवुड के कई लोगों को ये ड्रग सप्लाई की जा रही थी। साजिद इलेक्ट्रिक वाला न सिर्फ मुंबई में बल्कि मुंबई के बाहर के कई राज्यों में भी ड्रग इन्हीं पेडलर्स के जरिए सप्लाई किया करता था। ड्रग बेचने वालों के पास 30 करोड़ की ड्रग थी। टारगेट 30 करोड़ की ड्रग से 50 करोड़ रुपए बनाने का था। 15 दिनों में मुंबई के 100 इलाकों में नशे को पहुंचाया जाना था। एटीएस 30 करोड़ के इस ड्रग के साथ पकड़े गए चारों आरोपियों से लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। एटीएस ये पता लगा रही है कि आखिर इन चारों का मास्टरमाइंड कोई और तो नहीं था, और इनकी मोडस ऑपरेंडी कैसे काम किया करती थी, ये किन किन राज्यों में अपने नेटवर्क को फैलाए हुए थे और कहां कहां पर इन्होंने अपने पेडलर्स की टीम बनाई हुई थी। बहुत संभव है कि इस मामले में एटीएस और भी कई गिरफ्तारियां करे। कैमरामैन अरुण, सुधीर शुक्ला और आशीष सिंह के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। ड्रग्स का काला कारोबार करने वालों के लिए कुरियर से ड्रग्स भेजना कैसे सबसे आसान है, इंडिया टीवी ने इसका भी एक रियलिटी चेक किया। संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने निजी कुरियर कंपनी के जरिए लिफाफे में आटा भेजा। निजी कुरियर कंपनी ने बिना किसी जांच पड़ताल के ये पैकेट ले लिया। दरअसल ड्रग्स के सौदागर इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। ड्रग माफिया कैसे एमडी ड्रग की खेप को पार्सल और कुरियर के जरिए अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, उसका एक डेमो रियलिटी चेक हम यहां पर कर रहे हैं। हमारे पास ये आटा है, ये आटा दरअसल रोटी बनाने के काम आता है, खाना बनाने के काम आता है, लेकिन इसी आटे को हम एमडी ड्रग मानकर पार्सल कर रहे हैं। साथ में हम ये चार दवाइयों के स्ट्रिप्स हैं, इसे भी साथ में रख रहे हैं। ये हार्ट की दवाइयां हैं, इसे भी हम इस कुरियर जो पार्सल है हमारे पास आटा है उसके साथ में रख रहे हैं, और हम देखने जा रहे हैं कि क्या ये हम कुरियर कर पाते हैं या नहीं। और हमने अपना पार्सल कुरियर कर दिया। उस कुरियर में हमने हालांकि आटा और कुछ दवाइयां भेजी। दवाइयां हमने इसलिए साथ में रखी ताकि ये बताया जा सके कि दवा भेजने के लिए हमने ये कुरियर सेवा का इस्तेमाल किया है। हमें ये पर्ची दी गई है, 95 रुपये की ये पर्ची दी गई है, और उस पर्ची में साफ तौर पर लिखा है कि हमारा जो पार्सल है वो सुल्तानपुर के हमारे एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा। यानी बात साफ है कि इसी मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल जो ड्रग माफिया है, जो ड्रग के पेडलर हैं, तस्कर हैं, वो करते हैं, और इसी मोडस ऑपरेंडी के जरिए जो डाकघर है जिसमें इमरजेंसी मेल सर्विसेज EMS का इस्तेमाल किया जाता है, उसके जरिए भी ऐसे ही ड्रग भेजा जाता है। इस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ATS और एंटी नारकोटिक्स सेल पूरी तरह से मुस्तैद है, और ऐसे कुरियर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। आशीष सिंह और कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।